गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ द्विवेदी अद्भुत लर्निंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अपने बायोलॉजी के सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसके क्वेश्चन जो है लगभग सभी एग्जामों में आते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन ना पूछे जाए, क्योंकि तो साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो बायो का ही एक रोल है जो इसमें क्वेश्चन से पिक किए जाते हैं। तो इसी फहरिस्त में हमारे लास्ट हमारा जो चैप्टर था वो ग्लैंड्स को लेकर था, यानी कि ग्रंथियों को लेकर था, जिसमें हमने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी किया और हमने जाना कि किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स रोल अपना प्ले करती हैं, चाहे वो एंडोक्राइन हो चाहे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो। इसी फहरिस्त में आज मैं आपके सामने नया चैप्टर लेकर आया हुआ हूँ जो कि नाम हमारा बोन्स को लेकर, यानी बॉडी के जो हमारा जो जिसपे स्टैंड करती है स्केलेटन सिस्टम जो हमारा है, ये हड्डियों पर डिपेंड करता है। इसी बात को लेकर के हम लोग इसको आज आगे लेकर चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चालू करते हैं अपने चैप्टर को जिसका नाम है बोन्स हड्डियां। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ आज हम लोग बात करते हैं कि बॉडी में जो एक स्ट्रक्चर हमारा होता है, क्योंकि तो ऊपर तो हमारे मांस होता है लेकिन इसके अंदर में पूरा हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ है। यह हड्डियों का ढांचा नथिंग बट दी कॉम्प्लेक्शन ऑफ, यानी जो मिक्सचर होता है आपका कैल्शियम और फास्फोरस का होता है। क्या होता है? कैल्शियम प्लस फास्फोरस का मिक्सचर होता है। यही क्या करती है, आपके बोन्स में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, ये कैल्शियम चूंकि साथ में मिक्सचर में होने की वजह से व्हाइटिश होता है। क्यों होता है? अगर हड्डियों का रंग पूछा जाए व्हाइट क्यों होता है, सफेद क्यों होता है, वो कैल्शियम की ही वजह से होता है। ठीक है, जब ये साथ में आपस में मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, हार्डनेस, जो बॉडी की हार्डनेस होती है हड्डियों की, वो इसी दोनों की वजह से होती है। ठीक है, ये क्या करता है, पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है स्टैंड करने में, स्टैंड खड़ा करने में इसको मदद करता है। ठीक है, इसके साथ साथ में ये क्या करता है, बहुत सारे वेरियस ऑर्गन्स को, वेरियस बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, चाहे वो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो हमारा लंग्स सिस्टम हो, चाहे वो हमारा जो मेरु रज्जु होती है यानी कि रिब्स कहते हैं वो हो, चाहे वर्टिकल कॉलम हो, ठीक, चाहे हमारे बॉडी का ये जो खोपड़ी का हिस्सा स्कल होता है, चाहे वो, यानी सभी को बॉडी ही हमारा बोन्स जो है हमारा सभी ऑर्गन्स को स्टैंड करने में, हार्डनेस देने में मदद करता है। तो ये हो गई हमारे बोन्स की कुछ खासियत, क्योंकि इसे आपको जानना जरूरी था कि कैल्शियम प्लस फास्फोरस का ही मिक्सचर इसके अंदर होता है। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं टोटल बोन्स हमारे शरीर में होती कितनी है। टोटल बोन्स बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। लेकिन हमारे शरीर में, यहां पर आप एक चीज और जानिए, हमारे शरीर में 206 हड्डियां कैसे होती हैं। ठीक है, तो पहले चीज ये भी जान लीजिए कि जब एक बेबी, एक बच्चा जब बर्थ लेता है तो उस समय उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, एक नियो नेटाल चाइल्ड में 0 से 28 दिन का ये होता है, जो बच्चे का पीरियड, मैं नियो नेटाल की बात कर रहा हूं, 0 से 28 दिन की बात कर रहा हूं, इस बच्चे में 300 हड्डियां टोटल होती हैं। ठीक है, लेकिन हम तो सुनते आ रहे 206 होती हैं, तो वो हड्डियां कहां गई फिर, यानी कम ज्यादा है यहां तो हमारी। तो यहां जान लीजिए, जो एक एडल्ट होता है, एडल्ट, उसके अंदर बहुत सारी हड्डियां 28 दिन के पीरियड को पार करने के पश्चात आपस में जुड़ जाती हैं और मुख्यतः ये 206 हड्डियों का एक ढांचा या स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है। ठीक है, यानी कि एडल्ट बॉडी में हमारे 206 हड्डियां होती है। ठीक, तो यहां पर ये हमने जान लिया कैल्शियम प्लस फास्फोरस के मिक्सचर प्लस अन्य चीजों के मिक्सचर से हमारा
जो हड्डियां हैं बोन से उसका निर्माण होता है। दूसरी बात, हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां एज एडल्ट में होती है, लेकिन 300 हड्डियां जब बच्चा बेबी पैदा होता है उस समय उसकी हड्डियां होती है। ठीक, अब हम जानते हैं, देखिए मैंने यहां ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, टोटल 206 हड्डियां जो हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है उसका किस प्रकार से डिवीजन किया गया, उसका किस प्रकार से डिवीजन किया गया है। ठीक, तो यहां मैंने ऑलरेडी दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो अपेंडिकुलर, पहला है एक्सियल और दूसरा है अपेंडिकुलर। ठीक, दो पार्ट में बोन्स को डिवाइड किया था, एक्सियल और अपेंडिकुलर। ठीक, एक्सियल में टोटल 80 हड्डियां आती है, 80 हड्डियां आती है, और अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां आती है। दोनों को अगर आप जोड़ दें, दोनों को अगर आप जोड़ दें तो क्या होगा, 206 हड्डियां हो जाएंगी। ठीक, तो यहां तक प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर हम लोग एक्सियल की स्टडी करते हैं सेपरेटली और अपेंडिकुलर को सेपरेटली हम लोग स्टडी करते हैं। जब हमने एक्सियल की बात की तो एक्सियल को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया, कितने पार्ट में, चार पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। पहला है स्कल, दूसरा है रिब्स, तीसरा है वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन कहते हैं। जब स्कल की बात की तो इस 80 हड्डियों के पूरे टोटल हड्डियों को हमने क्या किया, 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड किया। वो चार पार्ट में जो स्कल है हमारा, स्कल आप समझते हैं क्या होता है, मैं यहां थोड़ा सा ठीक है, ये जो हमारा पोर्शन है, ये पूरा हड्डियों का जो ढांचा बना हुआ है, ये देखिए, ठीक है, देखिए डायग्राम थोड़ा सा मेरा, इसको आप ऐसा समझ लीजिए, ये आंखें होती हैं, ऐसा मुंह होता है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मुंह का, हमारे हेड का, ठीक है, ये पूरा जो पोर्शन हमारा, ये पूरा जो देख रहे हैं ऊपर का पोर्शन आप, ये हमारा स्कल होता है। ये क्या होता है, हमारा स्कल होता है। ठीक है, ये पूरा स्कल हमारा आंख नाक मुंह कान, ये पूरा यहां तक गर्दन तक के ये ऊपर का पूरा पार्ट स्कल के अंदर आता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो हड्डियां हैं बोन्स वो कितनी है, 29 है, 29 होती है। अभी इसका हम लोग फर्दर डिस्क्रिप्शन देखेंगे वो बाद में, इसके पहले जान लेते हैं कि बाद में रिब्स होती है। जैसे रिब्स, रिब्स क्या होती है, ठीक है, रिब्स की जब बात करते हैं, जो ये जो इस प्रकार के होते हैं, यानी ये जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, मैं यहां ड्रा कर देता हूं थोड़ा सा, आप जान लीजिए, ठीक, ये क्या होती है, टोटल नंबर इसके 24 होते हैं। ये जो हमारा पसलियों, पसलियां इसे हिंदी में कहते हैं, ये पूरा पोर्शन हमारा रिब्स कहलाता है, उसकी संख्या कितनी है, 24 है। उसके बाद आप ये जान लीजिए, फिर वर्टिब्रल कॉलम में आ जाइए, वर्टिब्रल कॉलम में आ जाइए, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक, ये वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा डेंगू बच्चू होता है, वो जो पूरा ये गर्दन से लेकर के पूंछ तक हमारे आता है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, और इसकी संख्या टोटल है 25। कितनी संख्या इसकी, 25। ठीक, इसके बाद एक और हड्डी इसमें बचती है, स्टर्नम की, स्टर्नम यानी कि ब्रेस्ट बोन जिसको कहते हैं, आपके यहां ये बीचों बीच आपको पता होगा, जब हम टाई लगाते हैं तो ये टाई लगाते हैं कैसे आते हैं, एक नॉट आती है यहां पर, देखिए एक यहां पर नॉट आती है, और फिर क्या होता है, ये ऐसा, ऐसा एकदम टाई के तरीके से, ठीक है, एकदम टाई के तरीके से आप देखिए, ये हमारा स्टर्नम होती है, इसकी संख्या केवल होती है, एक सिंगल हड्डी होती है जो यहां से हमारे चालू होती है और ये यहां तक आती है, यही हमारा क्या होता है, स्टर्नम कहलाता है। ठीक, तो ये हो गए हमारे, ये हो गया स्कल, ये हो गया रिब्स, ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम, और ये हो गया हमारा स्टर्नम। ठीक है,
इसकी संख्या कितनी है 29, इसकी संख्या कितनी है 24, इसकी 25 और इसकी सिंगल 1। ठीक, सबको मिला लिया तो टोटल हो गई हमारी 80 बोन्स। कितनी हो गई? 80 बोन्स, 80 हड्डियां। चलिए अगला जानते हैं अपेंडिकुलर बोन्स की। जब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर में क्या होता है, अपर लिम्स और लोअर लिम्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो अपर लिम्स की जब बात करते हैं, अपर लिम्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये देखिए, मैं यहां थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और ऐसे ही ये, ठीक है, ये जो हमारा डायग्राम बन रहा है ये हमारा क्या हो गया, अपर लिम्स हो गया। उसके बाद ये देखिए ऐसा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आप इस प्रकार से जो ये डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है उस वो क्या है, लोअर लिम्ब। तो अपर लिम्ब ये हो गया और ये हो गया लोअर लिम्ब। इसकी संख्या कितनी है टोटल? 64। यानी हमारे जो हाथ से लेकर का जो स्ट्रक्चर आपका है, कॉलर बोन से लेकर के हाथ का तक पूरा जो आ रहा है, इसकी संख्या है 64। ठीक, और लोअर लिम्ब की जब बात करते हैं तो हमारे पैरों के नीचे, यानी जो आपकी कमर है, कमर से लेकर के वेस्ट से लेकर के जो पूरे पैर होते हैं हमारे, उसकी संख्या टोटल होती है 62। ठीक है, टोटल क्या होगा ये 64 62, आपके टोटल हो गए 126 बोन्स आर देयर इन दी अपेंडिकुलर बोन्स। दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। ठीक, अपर लिम्ब है 64 बोन्स एंड लोअर लिम्ब है 62 बोन्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पूरे बोन्स को जानने की कोशिश करते हैं। एक एक करके हम लोग अगले बोन्स को जानने की कोशिश करते हैं कि स्कल में कितने होते हैं, रिब्स में कितने होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में कैसे इसको डिवाइड किया गया है, स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन में डिवाइड किया गया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्कल की बात करते हैं। ठीक है, स्कल को क्या किया गया है, चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं, यहां से मैं रब कर देता हूं, हम यही देखते हैं। आइए ठीक, एक एक करके फिर हम उसको स्टडी करते हुए जाएंगे। स्कल को क्या किया गया है, देखिए स्कल को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या नाम है, पहला क्रेनियल, ठीक, CRANIAL, क्रेनियल। इसमें टोटल 8 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 8 बोन्स होती हैं। दूसरा है हमारा फेस बोन्स। क्या है हमारा? फेस बोन्स। ठीक, इसमें कितनी होती है हमारी? 14। नेक्स्ट है हमारा ईयर बोन्स। आपके कान के पास की जितनी हड्डियां होती हैं वो भी इसके अंदर आती है, वो टोटल इसकी संख्या है 6। और लास्ट है इसका स्कल का हाइवॉइड, HYOID, हाइवॉइड। ये क्या होता है आपका, इसकी संख्या कितनी होती है? 1। हाइवॉइड को हम लोग पैलेट भी कहते हैं, पैलेट मतलब तालू। ये हमारे बॉडी का तालू जो सिस्टम होता है ऊपर कहिए, ये हमारा हाइवॉइड कहलाता है। क्रेनियल क्या है? क्रेनियल क्या है जी? ये पूरा ब्रेन का सिस्टम है। ठीक है,
ये जो ब्रेन का पूरा पार्ट आता है ये आपका क्रेनियल कहलाता है। उसके बाद फेस बोन, ये जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है फेस का, ये आपका फेस बोन कहलाता है। फिर आपका कान आता है, देखिए यहां पर कान आता है, ईयर आता है, ठीक। और लास्ट में ये हवाई, ये जो हमारे मुंह के पास में अंदर होता है, ये देखिए तालू, ये आपके अंदर का हड्डी जो एक सिंगल होती है ऊपर की, वो तालू कहलाती है। इसकी संख्या कितनी है? 1, ठीक है। ये हो गया हमारा स्कल। आइए दूसरा आते हैं लोग, दूसरा है हमारा रिब्स। इसको मैं डायग्राम हटा देता हूं, यहां पढ़ते हैं रिब्स। रिब्स, रिब्स की जो संख्या है वो जाननी पहले आप। ये टोटल 12 पेयर में होते हैं, यानी कि टोटल 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24। 12 पेयर का मतलब 24 होते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड है, ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स, ठीक है। ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स, ठीक। ट्रू रिब्स क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है ये आप जान लीजिए। 1 से लेकर 1 to 7 रिब्स तक जितनी दी गई हैं ये आपकी ट्रू रिब्स होती हैं। और ये स्टर्नम से, किससे? स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, ठीक है। स्टर्नम की जॉइंट्स विद दी स्टर्नम। अब हम बात करते हैं क्या है, कैसे है, स्टर्नम कहाँ है, ठीक है। इसके बाद रिमेनिंग बचा 8 to 12, ये होती है आपकी फॉल्स रिब, और ये स्टर्नम से, स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती, ठीक है। स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती है। जो हमारा फॉल्स रिब्स होता है वो भी दो पार्ट में इसको देखा गया है, दो पार्ट में इसको देखा गया है। पहला है वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉन्ड्रल रिब्स। क्या नाम है? वर्टिब्रल कॉन्ड्रल रिब्स। इसमें क्या होता है, 8 नंबर वाला 9 नंबर वाला 10 नंबर वाली जो हड्डियां होती है हमारी वो इसके अंदर आती हैं, ठीक। इसके बाद है हमारा फ्लोटिंग पेयर्स, सेकंड जो हमारा फ्लोटिंग पेयर, इसके अंदर 11 और 12 नंबर की बोन्स आती है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉन्ड्रल रिब, ये क्या है? वर्टिब्रल कॉन्ड्रल रिब, ये है फ्लोटिंग पेयर, ठीक। इसको अब हम समझ लेते हैं रिब्स में ये किस प्रकार से बनी होती हैं, रिब्स में ये किस प्रकार से बनी होती हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हमारे ऊपर का जो ये आप ढांचा देखते हैं हड्डियों का, ये टोटल हमारा क्या होता है, रिब्स होती हैं। इसकी संख्या टोटल 24 होती हैं। इसमें ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो इतना पार्ट होता है, पीछे का जो पार्ट देखेंगे, ये जो पीछे का पार्ट जो हमारा इसकी जाके जुड़ता है इस तरीके से, वो आपकी फॉल्स रिब्स कहलाती है। देखिए मैं इसको डार्क कर दे रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। पीछे का जो पार्ट है आपका फॉल्स रिब्स कहलाती है, और जो ऊपर का जो सामने दिखता है वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रू रिब्स कहलाती है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से हो गया, ठीक। अच्छा, जो वर्टिब्रल कॉन्ड्रल होता है ये, और फ्लोटिंग क्या होता है, इसी जो फॉल्स रिब्स होती है इसी से, इसी के अंदर ये जो जो अतड़ियों यानी जो हमारी पसलियां होती है जो दिखती है वो आपकी वर्टिब्रल, इसी में आपका वर्टिब्रल कॉन्ड्रल रिब्स कहलाती है, और जो मूवमेंट करती है वो आपकी फ्लोटिंग कहलाती है। मूवमेंट वाला जो है आपका फ्लोटिंग कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी स्कल और हो गई रिब्स।
ठीक है। इसका भी हमने देखा क्रैनियल, फेस बोन्स, ईयर बोन्स और हाइवाइड पायलट के रूप में इसको बांटा गया है। दूसरा है रिब्स, रिब्स में इसे 12 पेयर में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स के रूप में, 1 से लेकर 7 तक, ये टोटल संख्या हुई 7, और उसके बाद जो 8 से लेकर 12 तक अगर काउंट करेंगे तो ये होगी टोटल संख्या 5, तो 7 5 12 हो गई, 12 पेयर मतलब 24 हड्डियां होती हैं। इस फॉल्स रिब को जो 5 हड्डियां हैं उसमें वर्टिब्रल कॉन्डल रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स में इसको डिवाइड किया गया है, इसमें संख्या 3 है और इसमें संख्या 2 है, तो इस प्रकार टोटल 5 हो गई। ये स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती है फॉल्स रिब्स, ये और ट्रू रिब्स स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। अब अगला हम लोग देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम।